Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना बड़वानी न्यूज चैनल। आपके साथ मैं नेहा गोस्वामी। आइए आज हम बात करते हैं कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या देश भर में बढ़ रही है। विश्व में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। अभी भी ये संख्या थमी नहीं है, इसलिए घर पर रहे और सुरक्षित रहे। पहले चरण में आप लोगों ने देखा कोरोना वायरस किस तरह लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। अब हम जानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण। आइए जानें हमारे नाटक के द्वितीय चरण में मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण। मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण निम्न है। ये था पहला कारण, पैसों की मंदी के चलते मानसिक तनाव होना। अब देखते हैं दूसरा कारण। फिर से लॉकडाउन लग गया। मैं कब से पीएमटी की तैयारी कर रही हूँ, मेरी एग्जाम भी पोस्टपोन हो गई।
तो देखा आपने, ये था दूसरा कारण, परीक्षा रुकने के कारण मानसिक तनाव का होना। अब देखते हैं तीसरा कारण। अरे यार, मोदी जी ने फिर से लॉकडाउन का दूसरा चरण लगा दिया। 1 तारीख से ही मेरा अपॉइंटमेंट है जॉब के लिए। अब क्या होगा, लॉकडाउन की वजह से मेरे को फिर से घर में बैठना पड़ेगा। ये था तीसरा कारण, बेरोजगारी के कारण मानसिक तनाव का होना। अब देखते हैं चौथा कारण। ये था चौथा कारण, आवागमन और यातायात के साधन बंद होने के कारण मानसिक तनाव होना। तो अब देखते हैं पांचवा कारण। ये था पांचवा कारण, राशन न मिलने के कारण मानसिक तनाव का होना। अब देखते हैं छठा कारण। तो देखा आपने, ये था छठा कारण, नौकरी से निकलने के बाद मानसिक तनाव का होना। अब देखते हैं सातवां कारण। ये था सातवां कारण, घर से बेघर होने के बाद मानसिक तनाव में होना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपना बड़ा न्यूज चैनल पर। इस कोरोना वायरस के चलते लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ रही है और लोग मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। इसलिए आप घर से बाहर ना निकले, घर पर रहे और सुरक्षित रहे। आइए अब देखते हैं हमारे नाटक का तीसरा चरण, जिसमें हम देखेंगे इन कारणों से उत्पन्न होने वाले लक्षण, जिसके निम्न लक्षण होते हैं। पहला लक्षण होता है अत्यधिक चिंता करना। दूसरा लक्षण है तनाव में रहना।
इस कोरोना वायरस के चलते लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ रही है और अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें आ रही है कि लोग मानसिक विकास से बहुत ज्यादा पीड़ित है। तो आइए अब हम देखते हैं इस नाटक का चौथा कारण, जिसमें हम बताएंगे कि इस कोरोना वायरस की समस्या या मानसिक समस्याओं से हम कैसे बच सकते हैं। नेक्स्ट है तनाव से बचाव के उपाय। पहला है योगा। Thank you.